नमस्कार अर्गस अपडेट को आपन को स्वागत करूछि मु स्मृति लग्न नजर पकाइबा हेडलाइंस उपरे पारादीप गडरे पुलिस को आक्रमण घटना सात जन को रात्रे उठाय नेला पुलिस पुलिस को आक्रमण करे अभियुक्त को छडाई नेथिले गां लोक चार पुलिस कर्मचारी आहत भद्रक कलेई पंचायत बलजित पड़ा गांव में अग्निकांड विलंबित राति में निया लगी जलीगला दस बखरा घर लक्षाधिक टंकार सामग्री नष्ट निया को आयत कला अग्निशम बाहिनी चार परिवार सर्वशांत केबे फिटिबो रमादेवी छात्री झराफुल नायक मृत्युर गुमर घटना को आठ दिन बीती भी एजाए घटना उपर उठी पारुनि पर्दा मिलला मृतदेह बुहा स्कूटर किंतु सहयोगी शक्ति शेखर क्योंकि कोरापुट में पुणि कोटिया के तीन गांव ना बदल निर्वाचन करने को आंध्र षड्यंत्र जिला प्रशासन पाखे ना खबर बीजेपी कड़ा समालोचना सेपटे आज उन्नतिमूलक योजना शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री एवं थराउछि जाड़ आसंता तीन दिन जाए राज्य में जारी रहा शीतलहरी आठ जिला को येलो वार्निंग दस डिग्री तले नौ सहर संपूर्ण खबर को आसीबा पारादीप गड़रे पुलिस उपरे आक्रमण घटना राति अधरे सात जन को उठाई नहीं पुलिस गतकाली अभियुक्त को धरिबा को जाई पुलिस एवं जनता भितर खंड युद्ध होता पुलिस को आक्रमण करते गांव लोक अभियुक्त को छड़ाई नहीं जो थे चार जन पुलिस कर्मचारी गुरुतर भाव में आहत होती गुरुतर माने अभयचांदपुर थानार कर्मचारी जमापड़ी ए घटना पर गांव में उत्तेजना प्रकाश पाई अभियुक्त को गिरफ समय पुलिस जनता खंड युद्ध होता गड़ चौरा गड़ा निकट एक क्लब घर पाखु अभियुक्त त्रिनाथ दलाई को गिरफ करने को अभयचांदपुर पुलिस ए समय पुलिस जनता खंड युद्ध होता देखा मिली अभियुक्त खसी जबारे सफल हो बाबदे अधिक सूचना पाई फोन लाइन रे हमर प्रतिनिधि मानस कानून को अछंती मानस ये जो पुलिस और जनता भितरे खंड युद्ध देखिबा पाई मिलिछि किभली परिस्थिति रे घटना देखिबा पाई मिलिला कारण जदि अभियोग जनक विरोध रे आसीछि बासे अभियुक्त तांकु खसेबा पाई ग्रामवासी काहे कि चेष्टा करथले देखो जिते पुलिस अभयचांदपुर पुलिस से गाँव रे पहुंचला पारा जेतु त्रिनाथ दलाई जन आसार बहुत अभियोग रही अभियोग भिति कर अभयचांदपुर पुलिस सिविल चार जन पुलिस कर्मचारी जाते से गाँव को जितेबाला कि पारादीप गड़ पुलिस रही से बाबद जान नए जिते अभयचांदपुर पुलिस चार जन सिविल पहुंचे पारादीप गड़े जिते आसामी जो रही त्रिनाथ दलाई जो गोटे क्लब घर माने ताको धरिया पे चेष्टा कर गाँव लोक मैंने पुलिस को भी न जापारी पुलिस सहित युक्तितर्क होता या सहित खंड युद्ध होता जो पेलापेली मारपीट भितर पुलिस चार जन कर्मचारी आहत होती कैसे जन मुंड फाटी या कोई जो ग्रामवासी भितर जो गोटे जोरदार उत्तेजना प्रकाश पाई से अनेक पुलिस पद जा घटनास्थल में पहुंची परवर्त प्राय दीर्घ समय पर परे मारपीट पर आसामी से खसी जावा सफल होता कि पुलिस चार जन पुलिस आहत होते आहत पुलिस मान को पारादीप मेडिकल नहीं चिकित्सा कर गोटे प्राक्तन पुलिस रही चार जन पुलिस कर्मचारी आहत होती गाँव रु सात जन को उठाई नहीं पुलिस एभली उत्तेजना या विरुद्ध तेज बर्तमान अभियुक्त संख्या गिरफ्तारी संख्या आहरी बढ़ी पारे कि घटन देखो गिरफ्तारी संख्या तो निश्चित भाव में बढ़ जहां पुलिस प्रशासन सहित आलोचना करूँ जो मैंने कि पुलिस हाथ उठी पुलिस की मारामारी लहुलुहाण कर निश्चित भाव में गिरफ्तार पारादीप आलोचना एसपी सूचना देखते जो सात जन को बर्तमान गिरफ्त कर पचराउचरा कर आउ कौ मैंने संकित कौ मैंने पुलिस को मार मार्च से गाँव में जगिक रही उठे सहित जो आसामी रही त्रिनाथ जलाई त्रिनाथ जलाई को पुलिस खूब शीघ्र धरा पारादीप सूचना ओके जो पुलिस कर्मचारी माने आहत होते स्वास्थ्यावस्था वर्तमान केमती रही को मेडिकल भर्ती करा से बाबद सूचना मानस रही कि देखो जो पुलिस जो चार जन कर्मचारी सिविल जाए जो मैंने आहत होती जनक मुंड पड़ी और सामान्य आहत होती पारादीप मेडिकल ट्रिटमेंट पर पारादीप रही पुलिस ड्यूटी रही बेसी किसी गुरुतर हो ना सूचना मिली
बहुत बहुत धन्यवाद मानस कानूनगो जगत सिंहपुर प्रतिनिधि आमको सूचना दौले जे पुलिस एवं जनता भितर खंड युद्ध हो जाएगी। पारादीप गड़ में पुलिस उपर आक्रमण घटना रे राति अधरे सात जन को पुलिस उठाई नहीं चार जन पुलिस कर्मचारी आहत होती जहां चिकित्सा चलती। भयावह अग्निकाण्ड घटे 10 अधिक घर भस्मीभूत होइछि। विलंबित राति रे भद्रक ब्लॉक रो कलई पंचायत बलाजित पड़ा गाँव में अग्निकाण्ड घटी। अग्निकाण्ड में चारिटि परिवार 10 ऊर्ध घर जली पोड़ी पाउंश हो जाइछि। केवल घर काहीकि घर आसबाबपत्र ता समेत घर धान चाउल घरकरणा जिनिष पिंधा लुगा पोड़ी पाउंश होइछि। नियार प्रखरता एत अधिक थिला जे घर कौन सी जिनिष बाहर करबा संभव हेला नाही। एथिरे बलजित पड़ार लक्ष्मीधर स्वाई सुरेन्द्र स्वाई देवेन्द्र स्वाई बबिलता स्वाई अनिल स्वाई घर द्वार संपूर्ण पोड़ी पाउंश होइछि। मध्यरात्रि घटना खबर पाई भद्रक दमकल गाड़ी आसी निया लिभाइथिला किंतु निया आयत हेला नाही। सेतेबेळकु चारिटि परिवार सर्वशांत हो सारी। केबे फिटिबो रमादेवी छात्री झराफुल नायक मृत्युर गुमर। घटना को 8 दिन बीतीले भी एपर्यंत घटना उपर उठी पारुनि परदा। एपटे घटनार तदंत करथुवा कुआख्या पुलिस को अभियुक्त राकेश व्यवहार करथुवा स्कूटर मिलथुवा बळे झराफुलर मोबाइल फोन कि राकेशर बंधु शक्ति शेखर एपर्यंत कोनसी पत्ता पाइपाला नाही। पुलिस से लाल रंगर स्कूटी ही भुवनेश्वर जाजपुर नहीं झराफुलर मृतदेह फिंगी। राकेश भुवनेश्वर सुंदरपदार एक परित्यक्त स्थान गत काली गाड़ी को उद्धार करिबारे पुलिस सक्षम होइछि। गाड़ी रो डिक्की रे नंबर प्लेट रखा जाइथिबा देखिबा को मिलछि। पुलिस घटनास्थल को जाई गाड़ी को जबत करी जाजपुर नेछि। आउ एहारि भितरे गाड़ी रो मालिक निजे राकेश बोली पुलिस जानिबा को पाइछि। गाड़ी मिलिबा परे एबे पुलिस रो तदंत परिसर को आसिछन्ते अभियुक्त राकेश रो भाई ता समेत आउ जने संपर्क उभय को गत काली कुआख्या थाना को डकाई जेरा करिछि पुलिस। सबटे अभियुक्त राकेश रो 3 दिना रिमांड अवधि गत काली शेष होइछि। कोरापुटे कोटिया ग्रामपुंज में पुणि थे आंध्रर दादागिरी देखा मिली। कोटिया तीनि गाँव ना परिवर्तन करे निर्वाचन करने को जाती आंध्र सरकार जहाँ विरोधी बीजेपी रो कड़ा समालोचना। दल कही राज्य सरकार अदूरदर्शितापी एभली एक दशा देखा मिली। सेपटे मंत्री सुदाम मारंडी कहते स्थित नजर रखिंट सरकार आज विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यर शुभारंभ करे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। कोरापुट रे पुणी कोटिया के तीनी गाँव ना बदलाई निर्वाचन करने को आंध्र षड्यंत्र। पंचायत निर्वाचन विज्ञप्ति विवादियों कोटिया को नहीं पुणी आंध्रर दादागिरी। प्रथमे जगा दखल एवं निर्वाचन करने को प्रयास। विवादियों कोटियार तीनोटी गाँव में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन करने को सालुर मंडल पक्ष विज्ञप्ति। आसंता 13 तारीख और 17 तारीख में दुईट पर्यायर भोट विज्ञप्ति। कोटिया पंचायतर तल गंजे पदर फाटू सिनेरी और फगुण सिनेरी गाँव ना बदल निर्वाचन करने को षड्र। सालुर मंडल अधीन तीनोटी पंचायत तल गंजे पदर फगुण सिनेरी और फाटू सिनेरी ना बदल तल गंजे पदर को गंजे पाद्रा फाटू सिनेरी को पांगुल चेनुरु और फगुण सिनेरी ना को पाटू चेनुरु करवाचन करा भाषा निंदा करजे। दल कही राज्य सरकार अदूरदर्शिता हाथ खसुच जगह जदि 5T सचिव जाकि हरिशंकर नृसिंहनाथ बुलिकी गोटे कौन डेवलपमेंट प्लान रहा कहीपर कोटिया गाँ को जाकि अगर जो सीएमओ ऑफिस जो मैंने वरिष्ठ अधिकारी अच्छा से मूकरी कोटिया गाँव रोटे डेवलपमेंट प्लान आउ इंटीग्रेशन रो काम कौन पाई की करी परना थी ये हो जे सबटो बड़ प्रश्न। ओडिसा पक्षरु कोटिया रे आसंदा 5 तारीख दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर शुभोद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। राज्य सरकार को 150 कोटी रो प्रकल्प उद्घाटन करिवार कार्यक्रम रहिछि किंतु ता पूर्वरु आंध्रर षड्यंत्र समस्तंकु चकित करिछि। मंत्री सुदाम मारांडी कहिछन्ते सरकार पूरा स्थिति उपरे नजर रखिछन्ते।
सरकार सचेतन अच्छा से कार्यक्रम पर सरकार सचेतन अच्छा सरकार सचेतन कोटियार एक गांव को उभय दीर्घ वर्ष धरी बद लगी रही किंतु यार भितर आंध्र सरकार सालुर ब्लक आरंभ कर निर्वाचन प्रक्रिया एवं प्रश्न उठु कौन हे राज्य सरकार परवर्त पदक्षेप पांच दशंधि रही आसी बदर समाधान हो तो कोरापुटर गोपाल पाढ़ी रिपोर्ट अर्गस न्यूज। पलासपल्ली भिन्नक्षम तालीम केन्द्र में यौन शोषण घटना दीर्घ तीन मास परे भांगिला जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी निद तालीम केन्द्र में यौन शोषण सहित अत्याचार नहीं नवंबर 23 रे अभियोग होता बेले अभियुक्त संपादक सुरेश चंद्र बेहरा विरोध में वर्तमान सुधा कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कराई तेज सुरेश एबे भी फेरार था बेले दुई अभियोगकारिणी सहित मामला संपर्क में आलोचना करिसेंती खोर्धा उपजिलापाल और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी भुवनेश्वर स्थित एयरपोर्ट थाना एसपी उपस्थित रे आलोचना करा जाय छी। सेटा डिटेल्स इनक्वायरी होची जेबेठु दिया हेतला एलिगेशन तापर रो सिचुएशन आउ त केबे इनक्वायरी हेनी फर्स्ट टाइम बे डाकी छंदी डीएसओ स आछंदी सब कलेक्टर अछंदी एससीबी अछंदी आउ हमर जे पीड़िता देथिले संयुक्त महर्षि भी अछंदी सब डिस्कशन चलची इनक्वायरी रिपोर्ट आउ थरे लेखा होची आउ साक्षी माने भी हमर अछंदी दिव्यांग भाई भणी माने तळे आउ देखा जाऊ कौन हो आज पर्यंत तो सी मधुमंजरी धल आरेस्ट हो सारे जानते हैं सुरेश बेहरा कौन पर आरेस्ट हो पार ना से गोटे क्वेश्चन तो देखा जाऊ आज डिस्कशन पर कौन हो डीएसएस ऑफिस रो जो लोक जनक अच्छा वीडियो रे जहाँ वायरल आउ जो बाबू मानकर पिक्चरटा आसीनी मत लगुच सन्देह आ 100% सियोर से बाबू मानक इनवल्वमेंट अच्छी से केसटा को चपा दि जाऊँगी आ धरा पड़नी काले सुरेश बेहरा आसे मुह खोलिए आमर गोटे डिमांड हो हाई लेवल इनक्वारी हो जहाँ मुझे एफआईआर देसी जहाँ घटना घटी मुझे विषय आलोचना कली सहित इनक्वायरी करी बोली कहते सुरेश धरा पड़ से अरेस्ट हम निश्चय किसी असुविधा ना हाँ पूर्व जहाँ एफआईआर लिखी थी से पुनर्व मोटर शुणी से मैंने हाँ सुरेश दंड पाऊ भूल कर दंड पाऊ विडीए कर्तृपक्ष नारे अभियोग अभियोग आणिले प्रियदर्शनी मार्केट रो व्यवसायी माने दीर्घ 30 वर्ष तले निर्माण होइतबा एक मार्केट कॉम्प्लेक्स एबे अति दयनीय अवस्था रे रहिछि याको दृष्टि देबा परिवर्ते विडीए कर्तृपक्ष केवल टैक्स नेबारे व्यस्त रहिछन्ति तबे बारंबार अभियोग करथले समानकर अभियोग सुनु नाहन्ति विडीए कर्तृपक्ष विपर्यस्त अवस्था रे भुवनेश्वर सीआरपी छकरे थिबा प्रियदर्शनी मार्केट कॉम्प्लेक्स 30 वर्ष तले निर्माण होइथिबा एही कोठा एबे भांगिबाकु लागिराणी कांथ बाडरे गछ उठी बुद्धा हलाणी बीडीए अधिकारी किंतु नियमित टैक्स नै चुप बसिछन्ते बिल्डिंग रो रक्षणा बेक्षण दिगरे दृष्टि देउनथिबा अभिजोग करिछि प्रियदर्शनी मार्केट व्यवसायी संघ एहा सह धीरे धीरे बाहर व्यवसायी माने मध्य मार्केट पाचुरी भांगी अबाध प्रवेश करुथिबार से अभिजोग करिछन्ते बारंबार अभियोग परे मध्य बीडीए पक्षरु कोनोसी कार्यनुष्ठान हेउनथिबा अभियोग होइछे बीडीए अगेंस्ट रे अभियोग कोन हे ए मार्केट रे हेलाणी 30 वर्ष मार्केट ए पर्यंत मेंटेनेंस टोटली नै म्युनिसिपैलिटी तार होल्डिंग नउछि अन्यान्य टैक्स सब नउछि मन इच्छा चलैछि एटा हमर ओटा पिंडी थला गे माछ पिंडी के काली 3 दिन तळे जने अनथराइज भांगी तगु ये करछथि बिल्डिंग अवस्था देखुछथि पानी पाइप भांगी की टोटल नष्ट कर लोक पानी भी पीवाप ड्रेनेज टोटल नहीं बर्षा बेले अंटाए पा विडीए को कहले शुणुनी कि म्युनिसिपैलिटी की कहले शुणुनी ये पर्यंत एडे बड़ बिल्डिंग होती गोटे कमिटी करनी फायर प्रोटेक्शन ये बिल्डिंग नहीं अलग बिल्डिंग गवर्नमेंट खोजुच ये गवर्नमेंट तो यही कम कर कि फलप्रद हेन ये एटी फलप्रद किसी हमें तापर भी गोटे प्लानिंग कर भांगिकी महल करेंगे से कमी महल कर देखु 1987 मसीह निर्माण होता मार्केट कम्प्लेक्स तत्कालीन सरकार गरीब व्यवसायी मान थैथान करने को निर्माण करते मात्र 1997 मसीह बीडीए यार मालिकाना ग्रहण करने पर आरंभ कर मनमानी ना मार्केट कम्प्लेक्स रक्षणाबेक्षण ना हो स्थायी समाधान सरकार निकट में समस्या गुड़िकर समाधान करने को दावी करिछंती प्रियदर्शी मार्केट व्यवसायी संघर साधारण संपादक अनिरुद्ध पंडा मार्केट बिक्री है आपणकर 1996-97 मसीह सरकार या बिक्री कले
କିନ୍ତୁ ବିଡିଏ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଧା ମାର୍କେଟ ବିକିଛନ୍ତି, ଅଧା ମାର୍କେଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ଥାଇକି ସିଏ କୌଣସି କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1997ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାର୍କେଟର ଅବସ୍ଥା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, କେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗଳିବ ପଡ଼ିବ ମରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଧନ ଜୀବନ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନୁ। ଏଇଭଳିଆ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବଜାରର ପ୍ରାୟ ବେପାରୀ ଏଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ବିଡିଏର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଡିଏ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ଉପରେ କେବେ ପଡୁଛି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କେବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କାଟିଦେଲା ଲୌହ ଦାନବ। ରାଉରକେଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୁଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦଳି ଦେଇଛି ଦନ୍ତା। କେବେ ବେଳେବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସଙ୍କଟରେ ଗଜରାଜ ଫେଲ ମାରିଛି ଅପରେସନ ଗଜବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା। ଲୌହ ଦାନବ ନେଲା ଆଉ ଦୁଇ ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ରାଉରକେଲା ମହିପାଡି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନରେ କଟି ଦୁଇଟି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଶ୍ରା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ ମହିପାଣି ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ଦୁଇ ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗାଁ ମୁହାଁ ଗଜରାଜ। ଗତ 15 ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଷୋଟିକିଆ ହାତୀପଲ ବିଶ୍ରା ରେଞ୍ଜ ମହିପାଣି ନିକଟରେ ଡେରା ପକାଇଥିଲେ। ହାତୀପଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଇଟି ହାତୀର ଜୀବନ ଯାଇଛି। କଣ କହିବି, ଏଇଟା ଫରେଷ୍ଟ ବାଲାର ଗଲତି ଅଛି ଆଉ କଣ କହିବି। ଆଉ ସେମାନେ ହେପଟୁ ଲାଇଟ୍ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଆଉ ସେପଟୁ ଲାଇଟ୍ ନ ମାରିଥିଲେ ଏଠି ତ ପାର କରିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ ହାତୀ ପଲରେ କେତେଟା? 16ଟା ଥିଲେ। 16ଟା ଥିଲେ କେତେଦିନ ଆଣି ଅଛନ୍ତି? ଏମାନେ 15 ଦିନ ଭଳି ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ, କାଲି ଏପଟେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ରେଲୱେ ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ଏନକ୍ୱାରି ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କେଉଁ ଲୋକ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ଏକରେ ତ ଡ୍ରାଇଭର ତ ନିଶ୍ଚୟ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ଏନକ୍ୱାରି ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦନ୍ତାହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଯାଇଛି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ। ହାତୀ କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଏଠି କୋଡିନେସନ, ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଲା ପରେ ବି ରେଲୱେ ବାଲା ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ କମେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ବି ଥିଲେ, ସେ ସେତିକି କରିକି ବି ଆମର ଏଇଠି ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଥିଲା ଯେ ହାତୀ ଦୁଇଟା ହାତୀ ପୁରା ମାନେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ମାନେ ଇଏ କରାହେଇଛି। କେତେବେଳେ ମଣିଷ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହାତୀ, ସଂଘର୍ଷରେ ଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କ ଜୀବନ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2019 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ 2020 ଜୁନ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 58 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25 ହାତୀଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 8 ହାତୀଙ୍କ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗତ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶତାଧିକ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଜରାଜ ଯୋଜନା? ଗଜରାଜ ଯୋଜନା କାମ କରୁଛି ତ? ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ପରିବହନ ନା ରେଳବାଇ? ରେଳବାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦୋଷ ଲଦି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏହି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ନା ଭୁଆଁ ବୁଲା ଅଭିଯାନ କରାଯିବ, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଲଟିଛି ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2020। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ମିଳିଛି ମାନ୍ୟତା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ପାଲଟିଲା ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2020। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ଏହି ମାନ୍ୟତା।
ଦେଶକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଅଭିଯାନ। ପୂର୍ବରୁ ଆଧାର, ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳି ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ଦେଶର ସୀମା ଡେଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ଏବେ ବି ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଆହ୍ୱାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏବେ ଆଗଭଳି ଆଉ ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ଏକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଗଠନରେ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିଧାନ ସଂକଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଛି 2020 ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ଭାବରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିବା ବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବିଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଶବ୍ଦକୁ 2020 ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଚୟନ କରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି, ମହାମାରୀ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ସମାଜ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଡାକରା ଦେବା ସହିତ ଅନେକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଶବ୍ଦଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରୋନା ଟୀକାର ଉତ୍ପାଦନ ଏହାର ଏକ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶରେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଯୋଜନା ସଫଳ ରୂପ ନେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2017 ଆଧାର, 2018 ନାରୀ ଶକ୍ତି ଏବଂ 2019 ସମ୍ବିଧାନ ଶବ୍ଦକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହିନ୍ଦୀ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ନିଜ ଅଭିଧାନରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତଲହରୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। 9 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ତେବେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ କୋହଲା ରହିପାରେ। 8 ତାରିଖରୁ ଏହା ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଫଳରେ ଶୀତ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତ ହେବ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପରେଚର ଅଗଲା 2-3 ଦିନ ମେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତକ ରାଇଜ କରନେ କା ଚାନ୍ସେସ ହୈ ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଅଚ୍ଛା, 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ରାଇଜ କରେଗା ଔର ଅଭି 5 ଦିନ ଅଭି 2 ଦିନ ତକ ଡ୍ରାଇ ୱେଦର ରହେଗା ବଟ ଥାର୍ଡ ଡେ ମେ ହମାରା पार्टली क्लाउडी स्काई मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ही मिल रही, नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है और उसका साथ एक दो जगह में वेरी लाइट रेन भी हो सकता है कुशुंदरगढ़ केउंझर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। वो थर्ड डे मीन 6 फेब्रुअरी और अभी बाकी दिन सभी दिन ड्राई वेदर रहेगा अगला 5 दिन तक। समय बुलेटिन को नमस्कार।